हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मोनोब्लॉक पंप चल रहा है 5 HP का। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाली थी दोस्तों, और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि 5 HP और 3 HP पंप आपको कितना पानी दे रहे हैं। दोस्तों ये तो हमने प्राइवेट में लगाया था, इसकी कीमत के बारे में बताऊँगा मैं एंड में आपको। और दूसरी चीज़, जो सब्सिडी के माध्यम से हमने 3 HP का लगाया था, एक भाई ने उसका पंप पानी कम दे रहा था, उसकी सेटिंग की थी हमने, उसका भी आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि किस प्रकार से पानी बढ़ा है और क्यों, के मतलब कैसे सारा सिस्टम है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आजकल मार्केट में बड़े बड़े सोलर पैनल आ गए हैं, जैसे कि 550 वाट के 600 वाट तक का पैनल आ गया, वो आपको लेना है या नहीं लेना, या कितने बड़े सिस्टम में वो पैनल आपको लेना है, छोटे सिस्टम में कौन सा पैनल लेना है, और इसकी कीमत के विषय में बताऊँगा दोस्तों। वीडियो एंड तक देखें, वीडियो के एंड में इसका निष्कर्ष दिखाएंगे कि आपको क्या करना है। अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों। वीडियो पूरी देखें, एंड में देखेंगे कीमत और आपको कौन सा पैनल लेना है, मैं सारा बताऊंगा, बने रहें आप। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज फिर से मैं आपका मैं जितेंद्र सिंह चौहान। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 HP का इकोजेन कंपनी का मोनोब्लॉक सोलर पंप चल रहा है, ये सब्सिडी योजना के माध्यम से मिला है 2022 में। दोस्तों वीडियो पूरी देखें, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो देख रहे हैं फरवरी के महीने में अभी इतना पानी दे रहा है, और इसका ये दोस्तों जो है, जो मैंने पहले भी डाला था, ये इसका अक्टूबर महीने का वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर जब गेहूँ की ज़मीन के लिए सिंचाई हो रही है यहाँ पर, तब ये इतना पानी दे रहा था। इसकी वीडियो में विस्तार से दिखाता हूँ, अब आप देखें बने रहें। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर गेहूँ की इससे सिंचाई चल रही है, और यहाँ पर 8 पैनल इस पर लगे हुए हैं, जिसमें कि प्रत्येक पैनल करीब 335 वाट का एक पैनल है। और जो यहाँ पर मोटर है वो मोनोब्लॉक है इकोजेन कंपनी की 3 HP, और देख रहे हैं अभी 4 इंची का पाइप मुँह पर ये लगा हुआ है, तो उसमें इतनी डिलीवरी इसकी आ रही है। इसकी मोटर जो है मोनोब्लॉक, वो मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये रही दोस्तों इसकी मोटर, देखिए यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो लगभग 12 से 15 फीट है दोस्तों। ये 3 फेज मोटर है, 4x4 का जो बोरिंग होता है पर ये चल रही है, इसका हेड भी 4x4 में दिया हुआ है और यहाँ पर चल रही है। लेकिन इसके मुंह पर जो पाइप अभी है वो 4 इंची का हमने लगा रखा है, लेकिन एक्चुअल पाइप जो ये जो आप देख रहे हैं ये 2.5 इंची का पाइप है इसके मुँह पर, और देखिए कितना ये ज़बरदस्त का यहाँ पर प्रेशर दे रही है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको भी दिखाऊँगा कि हमारा जो टाटा पावर का होता है, टाटा सोलर पावर का, वो कितना पानी देता है जो सोलर पंप होता है हमारा, और आप खुद कंपैरिजन करें कि ये 3 HP में इतना पानी दे रहा है और वो 2 HP में कितना। ये देखिए इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये इसका कंट्रोलर है, और ये कितना डाटा आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मेन चीज़ इसमें इसका डेटा ही होती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना यार पानी कम देता है। देखिए यहाँ से समझने वाली चीज़ें हैं सारी, ये सब कुछ आ रहा है, वाटर आउटपुट ये कितना है सब कुछ। तो इसे कैसे समझना है एक एक चीज़ को, वो मैं आपको विस्तार से अभी बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भैया हमारा पंप पानी कम दे रहा है। जब शुरू में अक्टूबर नवंबर का महीना आया था, तो सूरज क्या होता है दोस्तों, धूप कम होनी शुरू हो जाती है उस समय, ऑटोमेटिक जब धूप नहीं रहती तो पानी आपका सिस्टम कहाँ से निकालेगा। उस समय ये लगे थे तो लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा सभी लोग, कि यार पानी कम दे रहा है। मैंने बार बार सभी को यही चीज़ बोली थी कि भैया आप परेशान ना हो, ज़रूर आपका पानी बढ़ेगा। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से इसका भी टेक्निकल डाटा दिखाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर 2 सेट लगे हुए हैं, ये दूसरा देखिए मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो दूसरी तरफ वो भी चल रहा है सेम। ये देखिए आप देख रहे होंगे इसका पैनल दिख रहा है, वो दूर है ज़्यादा, तो वीडियो में यहाँ से कैमरे में कवर नहीं हो पा रहा। ये पास पास में लगे हुए हैं, एक ही जगह पर लगे हैं, एक ही किसान के खेत में। तो आपने खुद देखा दोस्तों 3 HP का है ये इकोजेन कंपनी का, कितना ज़बरदस्त इसका प्रेशर है, ये देखिए 2.5 इंची में, और अब ये मात्र कितने करंट पर पानी दे रहा है वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये इसका कंट्रोलर है, ये देखिए इसमें वाटर आउटपुट इसका आ रहा है। अब इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना, फ्रीक्वेंसी देखिए 161 पे आ रही है इसकी, और 9 तारीख में मैं ये वीडियो बनाया मैंने देखिए, और टाइमिंग भी लगभग दोपहर 12 बजे का है वीडियो। वोल्टेज देखिए 281 वोल्ट आ रहे हैं DC, और दोस्तों जो पावर आ रही है वो 1.4, आउटपुट करंट 5.7 एम्पियर जो मोटर में हमारे यहाँ से जा रहा है, और मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए 9 तारीख का लगभग 12 बजे के आसपास का वीडियो बनाया दोस्तों, क्योंकि पीक धूम में वीडियो जब हम बनाते हैं तभी पता लग पाता है कि हमारे सिस्टम में क्या दिक्कत है या क्या नहीं है। तो दोस्तों अभी जो करंट आ रहा है 5.6 एम्पियर आ रहे हैं देखिए पैनल से, और जो जा रहे हैं लगभग वो भी इतने ही जा रहे हैं, 5.7 एम्पियर आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सीज हमारी जब निकालेगी, जब पीक धूप होगी तो लगभग 8 एम्पियर तक निकालेगी, तो 8 एम्पियर निकालेगी, तो यानी कि हमारा 20 से 25% पानी अभी और बढ़ेगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको टाटा सोलर पावर का 2 HP का।
ये देखिए दोस्तों, टाटा सोलर पावर का 2 HP का यहाँ पे कंट्रोलर लगा हुआ है और ये भी मोनोब्लॉक पंप है। यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो भी लगभग इतना ही है, 8 से 10 फीट के आसपास। इसका मैं प्रेशर आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, इसका पूरा कंट्रोलर है, इसमें टेक्निकल डाटा आता है इसका। अब मैं मोनोब्लॉक पंप दिखाता हूँ कितना। ये देखिए, ये दोस्तों यहाँ पर जो वाटर लेवल मैंने बताया कि ये भी 10 फीट के रेंज में ही है यहाँ पर वाटर लेवल, क्योंकि अभी गर्मी का तो सीज़न आया नहीं है। और देखिए ये इतना पानी दे रहा है लगभग, तो पानी दोनों का बराबर है। लेकिन दोस्तों जो 3 HP इको जो है उसमें क्या है कि उसमें जो 8 पैनल लगे हैं उसमें मात्र 6 पैनल लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा पानी ही देगी, क्योंकि यहाँ पर जो आप आ रहे हैं ये लगभग 7 एम्पियर आ रहे हैं ऊपर से, उसके आसपास का ये पानी यहाँ पर आप देख रहे हैं टाटा सोलर पावर का। और जो इकोजेन में आपने देखा वो अभी कितने आ रहे हैं, मात्र 6 एम्पियर के आसपास आ रहे हैं, 5 या 6 एम्पियर। तो दोस्तों कई लोगों को मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे लोगों की मेरे पास कॉल आई कि भैया बहुत कम पानी दे रहा है। और देखिए इकोजेन का ये भी चल रहा था यहाँ पर, ये इन्होंने भी मुझसे बोला था कि भैया हमारा तो यार सिस्टम क्या ही इतना ही पानी देखा। तो मैंने इनसे बोला था कि आप परेशान ना हो, फिर ये बोले मेरी, इन्होंने वीडियो बोले जो आपका ये टाटा सोलर पावर है ये तो बहुत ज़्यादा पानी दे रहा है सर्दी के मौसम में भी। तब मैंने बताया देखो ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये हेड पर डिपेंड करती है कि पंप का आपके हेड कितना है, कि कोई पंप तो ज़्यादा गहराई से भी इतना ही पानी खींचेगा, कोई केवल कम गहराई पर चलेगा। तो दोस्तों ये टाटा सोलर पावर जो है 20-25 फीट तक एकदम बढ़िया चलेगा, लेकिन इकोजेन जो है वो और 30-35 फीट तक चल जाएगा, क्योंकि उसकी पावर जो है और ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसका हेड इससे और ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोगों की मेरे पास ये कॉल आई समस्या को लेकर के, भैया हम तो बड़े परेशान हैं, क्या हुआ यार हमारा तो पैसा ऐसा ना हो फंस गया हो और हम ऐसा ना हो ठगे गए हो। मैंने बोला आप परेशान नहीं हो बिल्कुल, आप अभी जैसे जैसे मैंने बताया कि मैंने भैया अभी रुक जाओ, जनवरी दिसंबर का महीना चल रहा है ये तो पानी कम देगा ही, अभी आप फरवरी मार्च का महीना और आने दो। अभी फिर से उन लोगों के कॉल आ रहे हैं कि भैया हमारा जो सिस्टम है अभी वो ओके काम करने लगा है, हम उससे संतुष्ट हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप परेशान ना हो कि अभी तो और जैसे जैसे अभी मार्च अप्रैल और मई का महीना आएगा तो आपको जो सिस्टम है, क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे धूप बढ़ती है मौसम में, तपन बढ़ती है धूप की, तो उतना ही हमारा सोलर पैनल क्या होता है ज़्यादा पावर जनरेट करता है। जब पावर जनरेट ज़्यादा करेगा तो उतना ही ये यहाँ पर पानी भी देगा। अब जैसे कि ये 3 HP इकोजेन का है, तो इसमें भी शुरू में आपने देखा कि जब नवंबर के महीने में चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में, तो इसका प्रेशर इतना नहीं है क्योंकि उस समय इतना करंट नहीं आ रहा था। और अभी यहाँ पर क्या है दोस्तों, 4 इंची में भी देखिए इतना पानी दे रहा है, और जब इसके मुँह से हमने 4 इंची वाला पाइप निकाल दिया तो 2.5 इंची में देखिए कितना ज़बरदस्त इसका प्रेशर आ रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया, फिर से देख लीजिए, ये रहा, ये 4 इंची वाला मेन पाइप लगा हुआ है, ये दोस्तों 2.5 इंची का पाइप है। अब इसका प्रेशर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त प्रेशर है। तो ये कितने करंट पे, 80-70% करंट पे, यानी कि 6 एम्पियर के करीब आसपास इसमें आ रहे हैं, 80-75% करंट है। अभी तो 8-8.5 एम्पियर तक ये जाएगा, 9 एम्पियर तक, तो इसका दोस्तों प्रेशर जो फोर्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और ये सुबह से लेकर 8 बजे से लेकर और शाम को 5-5:30 बजे तक इतना ही पानी देता रहेगा, लेकिन फोर्स थोड़ा अप डाउन हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों एम्पियर बढ़ते हैं वैसे वैसे पानी बढ़ता है, और जैसे जैसे एम्पियर गिरते हैं वैसे वैसे इसका पानी भी घटता चला जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और आपकी कोई समस्या हो कमेंट करके बताएं। फिर भी अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो कि आपको सोलर पंप लगवाना हो या कोई सोलर ट्रॉली बनवानी हो, कितने ही पैनल ही, क्योंकि जिनको आजकल सब्सिडी पर सोलर पैनल मिल रहे हैं तो क्या है कि लोग एक जगह ना लगा के घर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप खेत पर लगाएं तो दोस्तों चोरी का या नुकसान होने का इसमें डर रहता है, कि अगर कोई मान लीजिए तोड़ जाता आपका एक पैनल भी कोई गुस्से में, या कुछ आप किसी कारण से भी अगर नुकसान हो जाता है तो आपको 10-12 हज़ार की चोट दोस्तों लग जाती है। तो अगर सोलर ट्रॉली बनवानी हो या इस प्रकार का कोई भी पंप लगवाना हो, या पंप सोलर पंप पानी कम देता हो, या कोई भी समस्या हो सोलर से रिलेटेड, तो पहली बात तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, हर टॉपिक पे मैंने अलग अलग वीडियो डाली हुई है। उसके बाद भी आपके मन में कोई संशय हो तो मेरा जो नंबर है आप 83-68-53-39-70 इस पर आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं शाम के 7 बजे के बाद, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप में दोस्तों जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई दूंगा और शाम के 7 बजे के बाद कॉल भी रिसीव करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इसी प्रकार बने रहें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकी कीमत की। तो जैसा आप देख रहे हैं ये 3 HP का इकोजेन का है, ये सब्सिडी के माध्यम से लगवाया था भाई ने, पानी कम दे रहा था, सेटिंग हुई और अच्छा खासा चलने लगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त प्रेशर आ रहा है। तो सब्सिडी के माध्यम से 3 HP का सिस्टम मान के चलें दोस्तों आप 70-75 हज़ार रुपये आपको देने पड़ते हैं, या किसी किसी राज्य में 80 हज़ार भी आपको देने पड़ सकते हैं। वहीं आप इसको प्राइवेट में लगवाएंगे तो आज की डेट में दोस्तों इसकी कीमत लगभग 1.5 लाख के आसपास आपको पड़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं 5 HP की। जैसे आप ये देख रहे हैं
तो 5 HP में दोस्तों सब्सिडी में आपको समरसिबल नहीं मिलेगा, मोनोब्लॉक नहीं मिलेगा, 3 HP में मोनोब्लॉक नहीं मिलेगा, उसमें आपको समरसिबल मिलेगा अब आज की डेट में। वहीं पे दोस्तों कीमत जो पड़ेगी 5 HP की सब्सिडी के माध्यम से 1,10,000 या 15,000, और प्राइवेट में इसकी कीमत जैसा आप देख रहे हैं एजीडी पूरे सिस्टम की, ये जो आपको पहुंच जाएगी 2,00,000 के आसपास पहुंच जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, पूरा सिस्टम आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि वहीं आप क्या कहते हैं 2 HP अगर सब्सिडी के माध्यम से लेंगे तो उसकी कीमत दोस्तों आपको जो पड़ेगी वो करीब 56,000 से 60,000 रुपये के आसपास पड़ेगी, और अगर प्राइवेट में लगवाते हैं तो दोस्तों उसकी कीमत भी आपको 1,20,000 से 1,30,000 तक करीब वो पहुंच जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आप पैनल कौन से लगाएं। अगर दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर आप छोटा सिस्टम लगा रहे हैं 2 HP 3 HP का, तो उसमें आप ज़्यादा बड़े पैनल ना लगा के, जैसे कि 500 साढ़े 500 वाट का। देखिए दोस्तों पैनल बहुत अच्छा होता है, वो उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, लेकिन छोटे सिस्टम में आप जो पैनल लगाएं वो 300 से 350 वाट के लगाएंगे तो उससे आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, आपके वोल्ट भी पूरे हो जाएंगे और एम्पियर भी आपकी मोटर के अकॉर्डिंग वो पैनल आपको देंगे। लगाने को आप बड़ा पैनल भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से छोटा लगाएंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे दोस्तों। बड़ा पैनल जो होता है वो उस केस में होता है कि आप बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं, 5 HP से ऊपर का आप सिस्टम लगा रहे हैं, तो उसमें आप कितने वाट का पैनल लगा सकते हैं। मान लीजिए आटा चक्की लगा रहे हैं या कोई बड़ा पावर प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पैनल दोनों अच्छे हैं, लेकिन अगर आप 2 HP 3 HP में अगर आप कम पैनल ज़्यादा पैनल लगाएंगे तो उनका आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेंगे, कम वाट के ज़्यादा पैनल। वहीं आप ज़्यादा वाट के कम पैनल लगाएंगे तो परफॉर्मेंस उनका भी अच्छा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको छोटे वाट के पैनल लगाने चाहिए, 300 से 350 वाट 2 HP या 3 HP के सिस्टम में। 5 HP में आप बड़े भी पैनल लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई अगर आपकी समस्या हो कमेंट करके बताएं, आपकी हर संभव मदद की जाएगी, और इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट बनाकर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।